सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बगल में प्रेस करें बेल आइकन बटन को लेटेस्ट वीडियो के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल HS भारद्वाज पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको तुलसी के फायदे बताऊंगा कि तुलसी का प्रयोग करने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और किन किन रोगों से बचाव होता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और सर्व रोग निवारण का एक मैंने वीडियो भी बनाया है कि उसको प्रयोग करने से किस प्रकार से बीमारी पर प्रभाव पड़ता है, बीमारी ठीक होती है, उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों आपको तुलसी का पता है कि प्रत्येक हिंदू धर्म में, प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है और तुलसी को हम माँ कहते हैं। एक गौ माँ, माता गौ को, और एक तुलसी को माँ कहते हैं, बाकी और किसी पेड़ को हम जो है माँ नहीं कहते। तो जहां पर माँ का शब्द आ जाता है वहां पर ये समझो कि सारी परेशानियां खत्म करती है माँ हमारी, पूरे वातावरण को जो शुद्ध रखती है और हर तरफ से हमारी रक्षा करती है। तो इसका प्रयोग है, वैज्ञानिकों ने भी निष्कर्ष निकाल करके प्रयोग निकाला है कि तुलसी के पत्ते से कई बीमारियों का नाश होता है। तुलसी का पत्ता किस प्रकार से आपको यूज करना है, आपके कोई भी परेशानी है, जैसे आपको बुखार आता है, मानो बुखार सही नहीं होता, खून का बुखार बन जाता है, अंदरूनी बुखार बन जाता है, तो जहां पर तुलसी का पौधा होता है वहां पर सबसे पहले तो डेंगू का मच्छर नहीं आते। इसमें जो है इतना ऊर्जा होती है कि उस मच्छर से जो है ये बचाव करती है। दूसरा, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि वास्तु दोष के हिसाब से तुलसी के पौधे से इतनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जिससे जो है नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। और जहां पर सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा हो वहां पर जो है सभी देवताओं का और माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आपको जो है करना क्या है, पांच पत्ते लेने हैं तुलसी के। पांच पत्ते तुलसी के लेकर के आप एक कटोरी में रख लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल या सादा पानी डाल लें, वह पत्ते आप लेकर के भगवान के सामने रख दें और एक एक पत्ता निकाल करके उसमें से ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोल करके वो पत्ता भगवान के सामने चढ़ा दें। एक एक पत्ता, एक एक मंत्र बोल करके चढ़ा दें, पांचों पत्ते भगवान के सामने चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद में आप वह पत्ता वापस कटोरी में रख लें और वहीं पर खड़े होकर के भगवान के सामने खड़े होकर के आप उनको जो ग्रहण करें, लेकिन उनको चबाए नहीं, दाणों से चबाए नहीं, पत्तों को खा करके ऊपर से वो पानी पी लें जो आपने कटोरी में रखा था। यह आपको भूखे पेट खाना है, सुबह भूखे पेट ये खा करके उसके बाद में एक घंटे तक आप कुछ ना खाएं। तो इस प्रकार से आपको ये पत्तों का यूज करना है। धीरे धीरे आपके शरीर में अपने आप ही प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा, हल्की फुल्की जितनी भी सारी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और जिस बीमारी में दवाई ना लग रही होगी वो भी दवाई लगना शुरू हो जाएगी। और वैज्ञानिकों ने तो इतना कहा है, अगर जो लोग प्रतिदिन तुलसी के पौधे पत्तों का यूज करते हैं उनको बुखार, डेंगू और चिकनगुनिया, यहां तक कि कैंसर तक की बीमारी नहीं होती। तो आप इस प्रकार से तुलसी का प्रयोग करें और तुलसी प्रत्येक घर में होती है और पूजा के काम भी आते हैं, माता तुलसी की पूजा भी करें, सुबह शाम दीपक भी जलाएं और इनके पत्तों का आप दवाई के प्रयोग भी करें जिससे आपको शरीर का लाभ हो और पूजा करने से घर में बरकत हो, माता लक्ष्मी का वास हो। तो दोस्तों आपको, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।